वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे अध्याय दो, बाघ और बकरी। ये कहानी है जो किन्ने लिखी है? कमलेश्वर जी ने। इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर जी। तो आज हम आपको जो कहानी सुनाएंगे वो है बाघ और बकरी की। तो एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को जंगल में चराने ले जाता था। झुंड में एक बकरी ऐसी भी थी जो सबसे अधिक दूध देती थी। गडरिया उसे बहुत चाहता था। वह उसे भोली कहकर बुलाता था। उसकी वो जो बकरी थी उसने उसका नाम रखा था भोली। एक दिन भोली अपने झुंड से अलग हटकर चरने लगी। चढ़ते चढ़ते वह दूर निकल गई। एक जगह भोली ने देखा कि बाघ का एक बच्चा भूख से बेहाल होकर रो रहा है। उसने क्या देखा कि एक छोटा सा बाघ का बच्चा है और उसे बहुत भूख लगी और वो बेहाल होकर रो रहा था। उसे देखकर भोली को बहुत दया आई। उसने बाघ के बच्चे के मुँह से अपना थन लगा दिया। भूखा बच्चा जल्दी जल्दी दूध पीने लगा। जब उसका पेट भर गया तो वह भोली के साथ खेलने लगा। भोली भी उसके साथ खेलती हुई उधर ही घास चरने लगी। शाम हुई तो भोली अपने झुंड में वापस चली गई। बाघ का बच्चा भी एक चट्टान के नीचे चला गया। शाम को गडरिया रोज की तरह बकरी का दूध दुहाने लगा, लेकिन आज भोली ने कम दूध दिया। धीरे धीरे भोली का दूध कम होता चला गया। गडरिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस बात को कई वर्ष बीत गए। अब भोली बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वह प्रतिदिन जंगल में घास चरने जाया करती थी। गर्मी का महीना था। जंगल में घास फूस सूख चुकी थी। केवल कुछ पेड़ों पर इक्का दुक्का पत्ते बचे हुए थे। बकरियां पिछले पैरों पर खड़ी होकर या पेड़ों के तने से अगले पैरों को टेक कर पत्तियाँ खा रही थीं। भोली हमेशा की तरह झुंड छोड़कर एक ओर चल पड़ी। अचानक गडरिये की निगाह उस पर पड़ी। उसने सोचा आखिर वह जा कहाँ रही है, उधर तो पानी भी नहीं है। गडरिया भोली के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक गुफा से बहुत बड़ा बाघ जो भोली की ओर चला आ रहा है। भोली जब झुंड छोड़कर दूसरी जगह चरने गई तो गडरिये ने उसको उस दिन क्या हुआ देख लिया, और वो गडरिया भोली का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। तो वो अचानक से क्या देखता है कि एक गुफा में से एक बहुत बड़ा बाघ भोली की ओर बढ़ा चला आ रहा है। यह देख गडरिया घबरा गया। उसने जैसे ही बाघ को देखा तो वो क्या हो गया, घबरा गया। उसे लगा बाघ अब भोली को खा जाएगा। लेकिन गडरियों को यह देखकर बड़ा अचरज हुआ कि बाघ अब भोली के सामने सिर झुकाए खड़ा हो गया और भोली बड़े प्रेम से उसे चाटने लगी। कुछ देर बाद बाघ और भोली एक झाड़ी के पास पहुँचे जिस पर पत्ते थे। वहाँ पहुँचकर बाघ जमीन पर बैठ गया और भोली उसकी पीठ पर खड़ी होकर पत्तियाँ खाने लगी। जब तक भोली का पेट नहीं भरा तब तक बाघ चुपचाप बैठा रहा। अब गडरिये से नहीं रहा गया। हिम्मत करके वह बाघ के पास पहुंचा और बोला, अरे भाई, बकरी तो तुम्हारा भोजन है, लेकिन तुम बकरी को अपने ऊपर चढ़ाकर पत्तियां क्यों खिला रहे हो? जैसे ही गडरिये ने देखा था कि उस गुफा से एक बाघ किसकी तरफ आ रहा था, भोली की तरफ आ रहा था, और भोली भी उसके पास गई और उसको जाके चाटने लगी। तो गडरिया बड़ा हैरान हो गया कि भाई ये तो बाघ है, ये तो क्या करता है, ऐसे जानवरों को, बकरियों को, इन सबको तो वो खा लेता है, लेकिन वो इसको क्यों नहीं खा रहा है। और थोड़ी देर में उसने देखा कि वो एक झाड़ियों के पीछे गए और वहाँ पर बाघ क्या हुआ, नीचे बैठ गया, और जो भोली बकरी थी वो उसके ऊपर चढ़ गई और वहाँ की जो पत्तियाँ थी वो खाने लगी। और बाघ वहाँ से जब तक नहीं उठा जब तक कि बकरी का पेट पूरी तरीके से भर नहीं गया। तो क्या हुआ कि जो गडरिया था वो बहुत देर से देख रहा था, अब देखते देखते उससे रहा नहीं गया और उसने आखिर बाघ से पूछ ही लिया कि ये तो तुम्हारा भोजन है, फिर तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर रहे हो? गडरिये की बात सुनकर बाघ ने कहा, यह सच है कि मैं बकरी को खाता हूँ, लेकिन यह मेरी माँ है, इसने मुझे दूध पिलाया है। क्या कहा बाघ ने कि हाँ, ये बात सही है कि मैं बकरियों को, भेड़ों को, इन सबको क्या करता हूँ, खा लेता हूँ, लेकिन यह मेरी कौन है, माँ है, इसने मुझे दूध पिलाया है। अब यह बूढ़ी हो गई है, इसकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है।
इसलिए मैं इसे अपनी पीठ पर चढ़ाकर चारा खिला रहा हूँ। यह कहकर बाघ अपनी गुफा में चला गया। घर लौटते समय गडरिया रास्ते भर यही सोचता रहा, जब बाघ जैसा हिंसक पशु अपनी बकरी माँ की सेवा कर सकता है, तब हम मनुष्यों को तो अपनी माँ की जी जान से सेवा करनी चाहिए। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जब वो जानवर मिलकर इतने अच्छे से उनके रिश्ते को निभा सकते हैं, तो हम सभी तो क्या हैं, इंसान हैं। और हम अधिकतर घरों में ऐसा देखते हैं कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करनी चाहिए। जबकि वह बूढ़े हो जाते हैं तो हमें उनका बहुत अच्छे से देखभाल करना चाहिए। इसी कहानी के अंतर्गत हम आपको कुछ मौखिक क्वेश्चन दे रहे हैं जिनको आपको इस कहानी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि झुंड में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी का नाम क्या था? तो झुंड में सबसे अधिक जो दूध देती थी वो बकरी का नाम क्या था? भोली। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक जगह भोली ने क्या देखा? इसका क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करेंगे। और दूसरा है कि शाम होने पर भोली कहाँ गई? ये दोनों प्रश्न के उत्तर आपको खुद इस कहानी को सुन के करना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।